हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। आज मैं आप लोगों से सिलीगुड़ी सिटी के बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर करूँगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चंदननाथ इंडियन टूर को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सिलीगुड़ी सिटी पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर महानंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। सिलीगुड़ी मॉडल और सबसे तेजी से विकसित होने वाला एक शहर है। इंडिया के मैप में सिलीगुड़ी शहर का लोकेशन इस शहर को महत्वपूर्ण बनाता है। सिलीगुड़ी शहर को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है, क्योंकि यहीं से इंडिया का सेवन सिस्टर लाइक मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ETC जाने का रास्ता यहीं से ही होकर जाना पड़ता है। सिलीगुड़ी शहर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के बीचों बीच स्थित है, जिस वजह से इसका विस्तार दोनों जिलों में है। यह शहर पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का मेट्रोपोलिटन एरिया 250 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी शहर का इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने कोलकाता को भारत का राजधानी बनाया था, उसके बाद सिलीगुड़ी शहर को बसाया था। तब कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। गर्मियों में कोलकाता एक हॉट प्लेस बन जाता है, जिस वजह से अंग्रेज दार्जिलिंग चले आते थे गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए, जिस वजह से सिलीगुड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था दार्जिलिंग तक जाने के लिए। और अंग्रेजों ने दार्जिलिंग तक जाने के लिए टॉय ट्रेन का विस्तार किया था, और अभी यही टॉय ट्रेन हमारे देश का हेरिटेज बन गया है। सिलीगुड़ी शहर की मुख्य भाषा की बात करें तो इस शहर में मुख्यतः बंगला भाषा बोली जाती है, उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह शहर हमेशा से ही अव्वल नंबर में रहा है। यहाँ के नौजवानों में शिक्षा और सरकारी नौकरी तथा स्टार्टअप के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। सिलीगुड़ी शहर के कुल आबादी में से 5,16,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि 82.16% के करीब है, जिसमें पुरुष 27,88,000 जो कि 86.46% के करीब है, तथा महिलाएं 23,71,000 जो कि 77.60% के करीब पढ़ी लिखी है। सिलीगुड़ी शहर की साक्षरता दर की बात करें तो 82.16% के करीब है, जो कि भारत के साक्षरता दर से ऊपर है। सिलीगुड़ी शहर की कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में 70,55,000 लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष 36,25,000 तथा महिलाएं 34,30,000 के करीब रहते हैं। सिलीगुड़ी शहर की आबादी धर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर में हिंदू 47,21,000 जो कि 91.98% के करीब है, तथा मुस्लिम 27,500 जो कि 5.37% के करीब है, और ख्रिश्चन 4,800 जो कि 0.94% के करीब है, तथा सिख 1,000 जो कि 0.21%, बाकी अन्य जाति शामिल है। इस शहर के लिंग अनुपात की बात करें तो 946 है, यानी कि हर 1,000 पुरुष के लिए 946 महिलाएं इस शहर में उपस्थित हैं। पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो सिलीगुड़ी शहर में बहुत सारे पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जहां आप जाके बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग, कालिंपोंग, सिलीगुड़ी वाटर पार्क। कई सारे पर्यटक स्थल मौजूद हैं सिलीगुड़ी शहर में। आगमन की दृष्टि से देखा जाए तो सिलीगुड़ी शहर में सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सिलीगुड़ी शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से 580 किलोमीटर तथा भारत की राजधानी दिल्ली से 1407 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। सिलीगुड़ी शहर के गाड़ी पंजीकरण संख्या की बात करें तो WB73 है, जो कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा यह गाड़ी पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी की है। रोडमार्क की बात करें तो सिलीगुड़ी शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग 110, 10 और भारत का दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 57 गुजरती है, जिस वजह से सिलीगुड़ी शहर भारत के सभी बड़े बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। इस शहर से रोजाना आसपास के शहर के लिए सीधी बसें उपलब्ध हैं। रेल मार्ग की बात करें तो सिलीगुड़ी शहर में 2 रेलवे स्टेशन उपस्थित है, पहला सिलीगुड़ी रेलवे जंक्शन और दूसरा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे जंक्शन। दोनों ही रेलवे स्टेशन से आपको भारत के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, राजधानी जैसे बड़े बड़े शहर के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाएंगी। हवाई मार्ग की बात करें तो सिलीगुड़ी शहर में अपना हवाई अड्डा भी मौजूद है, जिसे बागडोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। इस हवाई अड्डा से आपको दिल्ली, मुंबई, हावड़ा जैसे बड़े बड़े शहर के लिए सीधी फ्लाइट मिल जाएंगी। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।